वेपोराइजेशन और बॉयलिंग देखना है हमको इसी टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर। वेपोराइजेशन क्या होता है, जैसे बेटे हम कह दें कि हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने कुछ वाटर भर लिया है। वाटर हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि बहुत आसानी से ये लिक्विड मिल जाता है और सारे लोग इसे हैबिचुअल भी हो और बिहेवियर में आता भी है, तो इसलिए वाटर लेना बड़ा आसान होता है। हमने क्या किया, यहाँ से इसको फ्लेम देना स्टार्ट किया या हीट देना स्टार्ट किया, तो हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर जब पहुँचता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसका टेम्परेचर पहुँचता है, तो हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है और ये जो हमारा लिक्विड है, अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो किसी लिक्विड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद हीट को क्या कर रहा है, याद रखना बेटे, ये जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोल देते हैं, वेपोराइजेशन इसको बोल देते हैं। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रहा होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है इस लिक्विड का, कि जिस पर ये लिक्विड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली हमने जो आपको समझाया यही हमें लिखना भी है। तो क्या लिखना है कि द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और गैस को हम यहाँ पर वेपर भी लिख सकते हैं, याद रखना, गैस और वेपर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर किस में ये हो रहा है, चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या किसका चेंज हो रहा है, फेज का चेंज हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये, ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट, ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट। तो याद रखना क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो कर रहा है, हीट का एब्जॉर्बसन चल रहा है, ऑफ हीट, ऑफ हीट, हीट का एब्जॉर्बसन चल रहा है। और कैसे चल रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रहा है। कैसे चल रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वेपोराइजेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटे, याद रखना, इसी को वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो वेपोराइजेशन क्या होता है कि चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर, फेज ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट द कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पर टेम्परेचर लिख लेना, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बेटा, यहाँ पर इंसर्ट कर लेना आप, कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि द पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये भी तो लिख सकते हैं, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपोराइजेशन अकर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसी को तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि द पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट विच वेपोराइजेशन अकर, इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ लिक्विड। तो सारी बातें हमने जो आपको समझाया वो लिख भी दिया। अच्छा एक बात और यहीं पर बता दें कि यहाँ पर तो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लिक्विड से गैस में बदल गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि गैस भी लिक्विड में बदल जाए। तो हम ऐसा भी तो एक हेडिंग लिख सकते हैं, एक हेडिंग क्या लिख सकते हैं, हमारी हेडिंग हो सकती है वो कि कंडेंसेशन क्या है, हमारी हेडिंग ये भी तो हो सकती है कि कंडेंसेशन क्या है,
तो कंडेंसेशन समझते हैं क्या होता है, कंडेंसेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो कंडेंसेशन क्या है कि द चेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेपर, कहाँ से वेपर से, या हम कह सकते हैं गैस से। और किस में चेंज होगा ये, टू लिक्विड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। किसका चेंज हो रहा है यहाँ पर, फेज का चेंज हो रहा है, फेज ऑन। और याद रखना बेटे, गैस से लिक्विड बन रहा है, तो गैस से लिक्विड बनने में, जब अगर ये लिक्विड से गैस बना था तो आपने कहा था कि हीट एब्जॉर्ब किया है, और गैस से लिक्विड बनेगा तो याद रखना कि हीट यहाँ पर क्या हो जाएगी, हीट यहाँ पर लिबरेट होगी। हीट क्या होगी यहाँ पर, लिबरेट होगी, या हीट यहाँ पर इमिट होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जब हम लिक्विड से गैस से लिक्विड बना रहे हैं, यानी कि फेज ऑन लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है, हीट यहाँ पर निकल रही है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है। और ये भी प्रोसेस वैसे ही होता है ठीक जैसा कि हमारा चल गया था बॉइलिंग या वेपराइजेशन एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ये भी होगा, ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ये भी होगा, टेम्परेचर यहाँ भी कॉन्स्टेंट होगा, ये पूरा अपने दिमाग में याद रखना। और इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं, याद रखना ये बात। अच्छा, कंडेंसेशन का एक और नाम है, इसी को हम लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं। तो चाहे आप कंडेंसेशन याद रखना, चाहे लिक्विफैक्शन याद रखना। और देखो यहाँ पर आपने क्या कहा था कि द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द वेपोराइजेशन, यानी कि द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन अकर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर कहलाएगा। यही बात यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यही बात जब यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द कंडेंसेशन अकर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर। इसको क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ लिक्विड, इसको क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर। याद रखना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो आपने पढ़ा वेपोराइजेशन, इसमें लिक्विड क्या बन रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या इमिट हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर इमिट हो रही है, यानी कि हीट जो है वो इमिट नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या है, हीट है, ठीक है, ये क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि गैस हमारा कन्वर्ट हो गया है किस में, लिक्विड में हो गया है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर लिबरेशन ऑफ हीट चल रहा है। यहाँ पर हीट क्या होगा, लिबरेट होगी। और इसमें भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसमें जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर बोलते हैं। और इसमें जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर आइडियल है मटेरियल, कैसा है बेटा, आइडियल है, यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि अगर प्योर मटेरियल है, फॉर प्योर मटेरियल है तो याद रखना एक बात, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट ऑफ लिक्विड जो होता है वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? वो आइडेंटिकल होते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं आर आइडेंटिकल। अब आप देख लो ज़रा, अगर वाटर के लिए ही देख लो तो वाटर, अगर हम देख लें कि वाटर है अपने पास, वाटर है और वाटर का ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये गैस में बदल गया। किस में बदल गया? ये गैस में बदल गया। अब अगर ये गैस में बदल गया, ये क्या हुआ, गैस में बदल गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गैस को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गैस को हम क्या करें, वाटर में बदल दें। और जब ये वाटर में अब बदलेगा, जब ये वाटर में बदलेगा, जब ये वाटर में बदलेगा, वाटर में बदलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की हाँ गैस में बदला था, तो अब हम क्या देखेंगे कि यही हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। यही हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और यही हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। यही हमारा कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। और आप देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंडेंसेशन पॉइंट है, दोनों पॉइंट आइडियल मटेरियल के लिए क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो प्योर मटेरियल के लिए ये क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट का टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वो सेम होता है। एक बात और बता दें कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर तो हमारा वेपराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। तो वेपराइजेशन में हमने क्या पढ़ा है आपको कि हीट लिबरेट हो, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। यहाँ हीट एब्जॉर्ब्ड हुई और यहाँ पर हीट क्या होती है, यहाँ पर हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। अब अगर यहाँ पर हीट लिबरेट हुई और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई, इसकी अमाउंट को हम क्यू बोलेंगे, इसकी अमाउंट को भी अगर हम क्यू बोलें, क्यू बोलना ही पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, प्योर मटेरियल के लिए, प्योर मटेरियल के लिए लिबरेट हीट क्यू डैश कह देता हूँ, इसको क्यू वन कह देता हूँ। चलो ये क्यू वन और क्यू टू। तो प्योर मटेरियल के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड जो होता है क्यू वन, ये हीट लिबरेट क्यू टू के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब कभी भी हम देखेंगे कि हमारा मटेरियल प्योर है तो उसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है और कंडेंसेशन पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो आइडेंटिकल होगा। और जिस ये मटेरियल गैस बनने में जितना हीट एब्जॉर्ब किया था उतना ही ठीक गैस से वाटर बनने में ठीक उतना ही हीट ये लिबरेट भी करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन व्हाइल द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेट ड्यूरिंग द कंडेंसेशन एट दैट टेम्परेचर फॉर द सेम मास ऑफ द सब्सटेंस। जैसे हम कह दें कि 10 किलोग्राम का वाटर था और ये 10 किलोग्राम का वाटर था और 10 किलोग्राम का हमें क्या मिल गया, वेपर मिल गया। अब ये 10 किलोग्राम का वेपर, अगर हमें 10 किलोग्राम का वाटर बनेगा, अगर वाटर बनेगा तो ठीक टेम्परेचर भी सेम है तो ये हीट सेम होगा। ये हीट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जितना हीट हमने वाटर से गैस बनाने में लगाया ठीक उतना ही गैस से वाटर बनाने में भी हमको उतना ही हीट लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है बेटे। इसका मैं आपको अगर एक जनरल एक्सप्रेशन सॉल्व दिखाऊं तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास क्या है, वाटर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और ये क्या बनेगा, ये मान लो बन जा रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है। और बॉइलिंग होगा तो क्या होगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करेगा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, ये गैस बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का गैस बनेगा जो कि स्टीम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है। अब ये क्या होगा, अगर मैं जस्ट इसके उल्टे चलूँ और उल्टा चलूँगा तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। और कंडेंसेशन में बेटा क्या हो जाता है, लिबरेशन ऑफ हीट होता है। क्या होता है, लिबरेशन ऑफ हीट होता है। और ये जो लिबरेशन ऑफ हीट है, ये लिबरेशन ऑफ हीट है, यानी कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द लिबरेशन ऑफ हीट के। ठीक है, हीट ऑफ सेम अमाउंट के लिए
जो हीट एब्जॉर्प्शन का है वही हमारा लिबरेशन का भी है। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे बेटे। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर हीट यानी कैलोरीमेट्री का ये जो पार्ट चल रहा है, ये पार्ट बी है। पार्ट ए हमने पहले ही कर दिया है और सारी के सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं वो सारी वीडियोज़। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग लास्ट सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और बस एक दो दिन के अंदर हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट चैप्टर करेंगे जो कि हमारा है रेडियो एक्टिविटी। और उसके बाद फिर 10th ICSE का फिजिक्स पोर्शन, जो हमारा ये एम था कि ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि 1 नवंबर तक, दीपावली से पहले हम ख़त्म कर ले जाएंगे। और फिर आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का और तैयारी करने का। फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, पूरा का पूरा फुल लेंथ पेपर बनाएंगे और फुल लेंथ पेपर सॉल्व करवाएंगे। और फिर आपका इस तरीके से एग्ज़ाम काफ़ी कम मतलब कवर हो जाएगा और अच्छे मार्किंग भी आ जाएंगे। और इसके लिए बस आप अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके और जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।